वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को पुष्य नक्षत्र में माता सीता का प्राकट्य हुआ था। इस तिथि को सीता नवमी या जानकी नवमी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में सीता नवमी का उतना ही महत्व है जितना कि राम नवमी का। सीता नवमी के दिन माता सीता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि आज के दिन माता सीता की पूजा करने से जीवन की सभी कठिनाइयां दूर होती हैं। सीता नवमी 20 मई को यानी आज मनाई जा रही है। तो चलिए बताते हैं सीता नवमी का शुभ मुहूर्त क्या है। माँ सीता का जन्म नवमी तिथि को हुआ था और नवमी तिथि 20 मई को दोपहर 12:25 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 21 मई 2021 को सुबह 11:10 पर होगा। सूर्योदय तिथि को मानने वाले लोग 21 मई को सीता नवमी मना सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी सीता का प्राकट्य मध्याह्न में हुआ था, इसलिए आज नवमी के दिन ही सीता नवमी मनाना उचित रहेगा। चलिए बताते हैं सीता माता की पूजन विधि क्या है। बता दें आपको कि इस दिन सीता माता का श्रृंगार करके उन्हें सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है। शुद्ध रोली, मूली, चावल, धूप, दीप, लाल फूलों की माला, गेंदे के पुष्प और मिष्ठान इत्यादि से माता सीता की पूजा अर्चना करें। तिल के तेल या गाय के घी का दीपक जलाएं और एक आसन पर बैठकर लाल चंदन की माला से ओम श्री सीताये नमः मंत्र का एक माला जाप करें। अपनी माता के स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। लाल या पीले फूलों से भगवान श्री राम की भी पूजा अर्चना करें। चलिए बताते हैं सीता नवमी का महत्व क्या है। मान्यता है कि माता सीता के पूजा पाठ से अपनी माता के रोगों और पारिवारिक कलह क्लेश को दूर किया जा सकता है। देवी सीता को माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। जो लोग आज के दिन रखते हैं उन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। जो लोग आज के दिन व्रत रखते हैं उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। बता दें आपको कि हमें ये पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट राउंड स्पिरिचुअल रिपोर्ट।